हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने कि अपनी लिस्टिंग के बाद से ही बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं और आगे भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। मगर इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपके पैसे कई गुना भी हो सकते हैं और आपके पैसे डूब भी सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। हम स्टॉक का नाम देखें तो स्टॉक का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से 35% करेक्ट हो चुका है। अपने सपोर्ट लेवल जो कि 4,163 रुपए के आसपास में है, वहां पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर यहां से अप ट्रेंड में जाता है तो फिर इजीली कुछ दिनों में 10-15% का रिटर्न दे सकता है। मगर इसके कॉन्स ये है कि एक महीने में ये शेयर 19% तक गिर चुका है, जो कि वीक मार्केट की होने की वजह से हुआ। अगर हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इससे इस साल कम प्रॉफिट हुआ, इसलिए इसमें गिरावट हुई है। लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ और ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ में कोई गिरावट नहीं हुई है और ये ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसमें 18% से ज़्यादा अभी भी FIIs की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी डिक्रीज किया लास्ट क्वार्टर में फिर, मगर वो ज़्यादा नहीं थी, ये अच्छी बात है। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि ये अपने सेक्टर की मोनोपोली कंपनी है, इसे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और जब इसे प्रॉफिट होगा तभी इसके शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे। तो इसी स्टॉक में पैसे बनाने का बहुत ज़्यादा दमखम है और अगर आप इसमें टाइम लेते हो आपके पैसे कई गुना भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी स्विंग ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो इस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज फ्लुगनाची सीरीज के अनुसार भी ये स्टॉक 35% तक करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से रिवर्सल देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो अगर मार्केट अभी स्ट्रांग रहता तो इसमें आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कि आपको आराम से 10-15% का प्रॉफिट गेन हो सकता है। लेकिन हाल ही में अभी रशिया और यूक्रेन के विवाद के कारण ही आपने देखा होगा कि परसों स्टॉक मार्केट में लगभग 3% की गिरावट आई थी और फिर रिकवरी आ रही है धीरे धीरे। अभी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ग्राफ लो जाएगा या हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कंपनी के रिवर्सल देने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके फंडामेंटल्स देख ले तो मार्केट कैप मिड कैप की कैटेगरी में आती है, जो कि है 25,000 करोड़ के करीब। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, डिविडेंड कुछ खास नहीं है, पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, तो अच्छी कंपनीज के पीई रेशियो ज़्यादा होते ही हैं। फिर अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब बात कर लेते हैं आज के अपने दूसरे स्टॉक के बारे में, जो कि है अदानी विल्मर लिमिटेड, जिसने कि फ्लैट लिस्टिंग के बाद लगभग 60% के प्लस में पैसे बना दिए हैं अभी तक। मगर आप अगर अभी इसमें ट्रेड लेने का सोच रहे हैं तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज विद इन 3 मंथ्स ये कंपनी लगभग 500 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि ये स्टॉक 10 फरवरी के बाद से कंसोलिडेशन फेज में चला गया है और अभी आपके पास मौका है कि अगर आप इसमें चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज जब ये ऊपर जाने लगेगा तो सिर्फ सर्किट में ही चलेगा, जैसा कि हमने अदानी के बाकी शेयरों में देखा था लास्ट ईयर में। अगर आप अदानी विल्मर से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि वो लीडिंग कंपनी है मार्केट की, फॉर्च्यून ब्रांड के नेम से बहुत सारे एडिबल प्रोडक्ट्स बेचती है और उसका ऑयल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस पे CMP पे पोजीशन बना सकते हैं अगर आपका व्यू 6 मंथ से अबव का है, और अगर आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा ताकि इसमें क्लियर हो जाए कि ये अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक भी अप ट्रेंड में रहा तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि अदानी विल्मर का स्टॉक भी सर्किट में चलना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज हम सब देख सकते हैं कि FIIs बहुत तेजी से अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं एंड वही कारण है कि अदानी विल्मर कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। और आगे की अपडेट के लिए जस्ट वेट एंड वॉच और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपको आगे की वीडियोज बता पाऊँ।